दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, नीम के पत्ते खाने के तरीके बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आपको पता है कि नीम का पत्ता एक तरह का स्वीट पॉइजन है, लेकिन यह हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा एक औषधि के रूप में वर्णित है। यह हमारे लिए औषधीय काम करता है, कैंसर को पनपने से रोकता है, कैंसर कोशिकाओं का इकट्ठा नहीं होने देता, घनीभूत नहीं होने देता था, कैंसर कोशिकाएं नहीं पनपती। यस, ब्लड को डिटॉक्स करता है, यानी जो भी ब्लड में पॉइजन है उनको निकाल के पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। चमड़ों में भी फायदा करता है, ये सबको पता है, और सारे से सारे चमड़ों को यह ठीक कर देता है। पुराने घाव यदि नहीं ठीक होते हैं, यदि इसके छाल को, सूखे हुए खाल को घस करके उसके पेस्ट को यदि घाव में भर दिया जाए सफाई करके, तो कीड़े सब निकल के बाहर मर जाते हैं और वो घाव जल्दी भर जाता है, चेहरे पे ग्लो लाता है। ये तो तमाम फायदे आप लोगों ने सुना होगा, ये सब नीम के पत्ते के फायदे हैं। लेकिन खाना कैसे चाहिए यह किसी को नहीं पता है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। नीम के पत्ते कैसे खाना चाहिए मैं आप लोग बताऊँगा। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग लाइक करो, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, विशेष रूप से गुजारिश है, सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या करें, नीम के पत्ते बढ़िया बढ़िया ताज़ा पत्ते लाएं, जो मतलब सूखे हुए कीड़े खाए हुए ना हो, स्वच्छ और निर्मल और शुद्ध बढ़िया से पत्ते हो, उसको आप धो दें। बढ़िया से धो करके एक चम्मच घी कढ़ाई में डाल करके पत्ते को उसमें डाल दें, 8-10 पत्ते डाल दें। उसको मंद मंद धीरे धीरे आंच पर फ्राई करें। नीम के पत्ते जब हल्के जब सामने होने लगे फौरन उतार लें, ठंडा होने दें, और इस पत्ते को घी के साथ चबा चबाए खाना है। जब चबा चबाए खाओगे तो इसके जो एंटी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक केवल आपको फ़ायदा ही पहुँचाता है, केवल फ़ायदा पहुँचाता है। तो नीम के पत्ते आप इस तरह से खाएंगे तो आपको बहुत सारे अनेकों फ़ायदे, अनंत फ़ायदे मिलेंगे। इसके फायदे कोई जोड़ नहीं है, कोई ये नहीं है। तो आप कभी भी नीम के पत्ते को इस तरह से खाएं जैसा बताया मैं, तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ताकत को बूस्ट करेगा, आपको कोई फंगल बीमारी नहीं हो सकती है, खांसी जुकाम बलगम ये सब ठीक कर देता है, किडनी डिजीज, मूत्र इन्फेक्शन, ब्लड डिजीज, स्किन डिजीज सबको ठीक करता है। या आप लोग इसे खाएँ और फायदा उठाएँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।